हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हम सब ठीक ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और देखते हैं दार्जिलिंग में सेकेंड डे में हमने क्या क्या किया और कहां कहां गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, सुबह सुबह उठ के हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे और इस वेदर में विंडो के पास बैठ के जो कॉफ़ी पीने का मज़ा था ना, उफ, मुझे मैं रोज़ सुबह उठ के यही सोचती हूँ कि मैं वहीं पहुँच जाऊँ किसी मैजिक के द्वारा। और ये देखिए मेरे हस्बैंड वहाँ पे भी ना काम करते हुए। और ये आ गए हम लोग ब्रेकफास्ट टेबल में। ये इतना कुछ था हमारे ब्रेकफास्ट में। एक्चुअली ना क्या था, दार्जिलिंग में उस दिन बंद था एक सीरियस प्रॉब्लम की वजह से, तो हम लोगों ने ये सब अरेंज करके रखा था। तो इतना सब कुछ था नाश्ते में। फिर नाश्ता करके हम लोग निकल गए। ये देखिए ये ऊपर से हम लोग चलेंगे और आज हम लोग जा रहे हैं देखने पीस पैगोडा। दार्जिलिंग का एक बहुत ही अच्छा ये साइट है जो कि टूरिस्ट लोग आते रहते हैं यहाँ पे। हम लोग का प्लान तो था कि हम लोग बहुत जगह जाएं दार्जिलिंग में साइट सीइंग करें, लेकिन क्योंकि बंद होने की वजह से ना हम लोग जा नहीं पाए। और ये जगह जस्ट सुनिए, ये साउंड सुनिए। कितना अमेजिंग था ना ये साउंड, और बिल्कुल रिलैक्सिंग। हाँ, ये साउंड जो है ना, ऐसे साउंड्स हम लोग नॉर्मली खुद को रिलैक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ पे नेचुरली ये साउंड था और मुझे लग रहा था कि यही बैठ जाऊँ ये सुनती रहूँ। लेकिन हमें जाना था तो हम लोग चढ़ाई किए और ऊपर चले। और ये मेरे हस्बैंड वीडियो बनाते हुए नेचर का भी और हम लोग का भी। वैसे बहुत लंबी चढ़ाई थी, मैं तो हाफ रही थी, लेकिन फिर भी घूमने के लिए और ये व्यू के लिए, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, ये चढ़ाई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ना आप लोगों को एक अमेजिंग चीज़ दिखाते हैं। मेरे पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने दिखाया था सेंट पॉल स्कूल का जो व्यू, जहाँ पे अक्सर बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड की मूवीज़ की शूट्स होती रहती हैं। वो जो आपने एरिया देखा था ना, वो तो बस जो शूटिंग एरिया है वहीं का मैंने वीडियो डाला था। आज आपको दिखाते हैं कि पूरा स्कूल एक्चुअल में है कितना बड़ा। ये स्कूल जो कैंपस है इसका बहुत ही बड़ा है। और हम लोग चलते चलते जितने दूर जा रहे हैं ना, ये जो बिल्डिंग्स दिखेंगे आपको, ये सारे के सारे स्कूल के ही बिल्डिंग्स हैं। कुछ क्वार्टर्स हैं, कुछ न्यू बिल्डिंग्स हैं और कुछ पुराने भी बिल्डिंग्स हैं। अगर आप लोगों ने मेरे पुराना वीडियो, इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा, तो आप इस वीडियो में और भी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। ये देखिए, जैसे मैं बोल रही थी, ये है स्कूल का एक और गेट। ये गेट देखिए कितना पुराना है। मैं एक और गेट भी दिखाऊंगी। ये स्कूल के ना तीन चार गेट थे, मतलब तीन चार तरफ से आप एंट्री कर सकते हो स्कूल में, और सारे के सारे बहुत ही पुराने। देखिए ये दीवारें और ये ऊपर ये जो घर बने हैं, ये सारे क्वार्टर्स हैं, ये कितने पुराने हैं। और ये सब ना देख के अलग सा फील आता।
जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि अंकल यहाँ पे जॉब करते थे, स्कूल में वो टीचर थे, तो अंकल और आंटी यहाँ ना 30 साल से, मतलब 30 ईयर्स से यहाँ रह रही हैं, तो आंटी को सारे शॉर्टकट्स पता हैं, तो वो हम लोगों को ना शॉर्टकट से ले जा रही थी, क्योंकि जो एक्चुअल रोड है, मेन रोड है, वहाँ से जाने के लिए बहुत टाइम लगता, और हम लोग पैदल चल रहे थे और बारिश भी हो रही थी। मैं ना रोड्स में चलते चलते सोच रही थी कि हम लोग जो देखते हैं जो मूवीज़ में जो रोड्स दिखाते हैं ऐसे ही बिल्कुल बादल लगे हुए हैं और बारिश हो रहा है और छतरी लेके चल रहे हैं, मुझे ना वो वाली फीलिंग आ रही थी, मतलब जो एक अलग सी रोमांटिक सी फील भी आ रही थी, और कुछ कुछ हॉरर मूवीज़ में भी ऐसा दिखाते हैं, तो मुझे दोनों टाइप की फीलिंग आ रही थी, लेकिन हालाँकि दोनों ही अच्छी लग रही थी। आप लोग भी ज़रूर बताइए कमेंट करके कि ऐसा मौसम आप लोगों को कैसा लगता है। ये हम लोग पहुँच गए पीस पगोडा, देखिए कितना ब्यूटीफुल है, और यहाँ पे जो ये बादल लगे हैं ना इसकी वजह से और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये, और बारिश हो रहा है, अमेजिंग इसका व्यू, मतलब मैं बोल के समझा नहीं सकती, शायद कैमरे में भी उतनी अच्छी तरह से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ जो सामने से लग रहा था इसका ब्यूटी। ये जो पीस पगोडा है ना, ये सिर्फ दार्जिलिंग में नहीं, ये दुनिया के विभिन्न बड़े बड़े शहरों में है, और ये जो पीस पगोडा बना है ये बनाए थे निशिदात्सु फूजी, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे और वो जापान के थे, उन्होंने ही दुनिया में बहुत सारी जगह पीस पगोडा बिल्कुल इसी डिज़ाइन के बने हुए हैं, और जो यहाँ दार्जिलिंग में बना है वो उसका जो काम शुरू हुआ था 1972 में हुआ था, और इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1992 में। और जैसा मैंने बताया कि ये पीस पगोडा ना सिर्फ दूसरे देशों में ही नहीं, दूसरे महादेशों में भी है, जैसे कि दूसरे देशों में बांग्लादेश में है, और इंडिया में भी, दिल्ली में भी है, जापान में तो है ही, और उसके साथ ही आप लोग इसे कोरिया, नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में आप इसे देख सकते हो। और हम लोग कितने लकी हैं कि इतनी अच्छी एक चीज़ जो हमारे यहाँ बनी हुई है। और फिर हम लोग ऊपर चढ़े परिक्रमा करने के लिए, और फिर हम लोग आ गए यहाँ पीस पगोडा के अंदर, जो मॉनेस्ट्री है वहाँ पे, और मॉनेस्ट्री के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा शांति होती है। यहाँ हम लोग उस दिन बैठे और फिर चले अपने घर के तरफ, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, हमें घर भी लौटना था और शाम हो रहा था। रोड्स पे चलते चलते हमें देखिए एक और बहुत ही शानदार चीज़ जो मुझे तो स्पेशली बहुत ही दिल को छू गई है, ये था बोस इंस्टीट्यूट,
और मैंने जब उसके पास जाके ये देखा तो मुझे पता चला एक्चुअली ये आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी ने खुद बनाया था 1920 में। और फिर घर आते आते आंटी को ना एक फ्रेंड से मिलना था, तो ये देखिए ये हमारी हेल्प करने लगा, एक्चुअली वो सो गई थी तो ये भी उनको उठाने लगा, इट्स सो क्यूट। और फिर घर वापस आते आते मुझे ये देखी कुछ बेरीज जैसी चीज़ें, मुझे नहीं समझ में नहीं आई कि ये फ्लावर है या फ्रूट है। अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या है, अगर आपने पहले भी कभी देखा हो तो। और चलिए आज का व्लॉग यहीं तक, और ये भी लास्ट नहीं है, अभी भी हमने दार्जिलिंग में बहुत कुछ किया है, तो वो सब देखने के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।